बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, बोलो श्री सतगुरु महाराज की। प्राणधार आत्मसंबंधी सुंदर साहब जी, कल की चर्चा में हमने सुना कि श्री जी सूरत पहुंचे हैं। सूरत में वेदांत दर्शन के उस समय के विद्वान हैं भीम भाई श्याम भट्ट, भागवत के विद्वान हैं गोविंद जी व्यास, ऐसे ऐसे सुंदर साथ श्री जी से तारतम्य ज्ञान ग्रहण करते हैं। जागनी का प्रवाह तीव्र गति से चला हुआ है और चूंकि माया का कार्य है बाधा पहुंचाना, तो बिहारी जी पत्र लिख करके तीन नियम बनाते हैं और वो तीन नियम के बारे में कल हमने सुना कि एक तो नीची जाति के लोगों को तारतम नहीं देना है, दूसरा विधवा स्त्री को भी तारतम नहीं देना है, और तीसरा बिहारी जी कहते हैं कि मेरे और तुम्हारे अलावा और कोई तीसरा तारतम नहीं दे सकता। श्री जी ने उन तीनों बातों का जवाब कैसे दिया कल हमने विस्तार पूर्वक जातिवाद की विशेषता या जातिवाद की वास्तविकता जानी कि जाति जन्मना नहीं अपितु कर्मणा होती है, कर्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था होती है और किसी भी वर्ण में उत्पन्न हो वो अछूत नहीं होता है। सात प्रकार के अछूत कौन कौन से होते हैं इसके बारे में भी सुना। अब श्री जी ने पत्र लिखा, क्या कह रहे हैं, कल की अंतिम चौपाई थी कि जवाब तीन बात का हम तुम्हें लिखो बनाए, ताको विचार कीजियो श्री देवचंद्र जी राह चलाए, श्री देवचंद्र जी राह चलाए। उनने जात भेष को भान डारिया शीस, सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी ने जाति और भेषभूषा इन सब का सिर तोड़ दिया था। सिर तोड़ने का मतलब उनको पूरी तरह से समाप्त कर दिया था। वैसे तो कल की चर्चा में भी हम विस्तार पूर्वक सुन चुके हैं जातिवाद की वास्तविकता। देवचंद्र जी ने ये नहीं देखा कि ये किस वर्ण में उत्पन्न है, उन्होंने देखा कि इनके अंदर परमधाम की ब्रह्म सृष्टि है, उन्हें तारतम दे दिया। क्या कहते हैं, देखियो जित अंकुर को तित करी बख्शीश, जहां उन्होंने ब्रह्म सृष्टि देखी उनको श्री देवचंद्र जी ने तारतम ज्ञान दिया। और इसका उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं कि खोजी बाई मुस्लिम थी, मुस्लिम स्त्री थी और साथ में विधवा भी थी, लेकिन देवचंद्र जी ने देखा इनके अंदर परमधाम की रई बाई की आत्मा है, तो उन्होंने तारतम ज्ञान की बख्शीश की, तारतम ज्ञान दिया। इसीलिए देवचंद्र जी की दृष्टि जाति वेशभूषा पर नहीं थी। वाणी क्या कहती है, वेश भाषा जिन रचियो रचियो मायने असल, वेशभूषा को नहीं देखना है। वैसे तो आजकल दुनिया के लोग भी इस बात को समझते हैं, कहते हैं जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़े रहने दो म्यान। इससे क्या फर्क पड़ता है कि कौन से वर्ण में उत्पन्न हुए हैं। सूर्य अपना प्रकाश देने में कोई भेदभाव नहीं करता है, बादल से जब वर्षा होती है तो ये देख करके कि ये ब्राह्मण का खेत है, ये क्षत्रिय का, वैश्य का, शूद्र का, सब में अलग अलग मात्रा में नहीं बरसती है, सबके लिए। जब परमात्मा की बनाई प्रकृति की व्यवस्था सबके लिए बराबर है, सब में किसी प्रकार का भेद नहीं करती, तो फिर मनुष्य को क्या अधिकार है। मनुष्य स्वयं मूर्ति बनाता है और
मूर्तिकार के बनाई गई मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करके उसको तो पूजता है, लेकिन परमात्मा के द्वारा बनाई गई मूर्ति है यह मानव, और इस मानव को अगर जाति के नाम पर घृणा करता है तो फिर ऐसे व्यक्ति से मूर्ख व्यक्ति शायद ही कोई हो। सोचिए कि एक व्यक्ति जो दर्जी है, कपड़े सिलता है, उसके द्वारा सिले गए कपड़े पहनने में आप अछूत नहीं होते। एक लोहार है, लोहे के बर्तन बनाता है, कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता है, उन बर्तनों का प्रयोग करते हो तब आप अछूत नहीं होते हो। यहाँ तक कि जिस भगवान को आप पूजते हो वो मूर्ति बनाने वाला भी उसी जाति का होता है। अगर कोई लोहे की मूर्ति बना रहा है तो वह लोहार का काम कर रहा है, पत्थर की मूर्ति बना रहा है तो भी वह वर्ण की दृष्टि से कहीं ना कहीं आपकी ही मान्यता के अनुसार वह निम्न वर्गों में आता है। लेकिन उसके बनाई गई मूर्ति को आप खरीदते हो और बाद में उसी व्यक्ति को उसी भगवान की मंदिर में प्रवेश करने नहीं देते, ये कौन सी बुद्धिमत्ता है? श्री जी कह रहे हैं कि सो ए बात तुम देखी है, उनकी दृष्ट जात भेष पर नाही, काटो तो सबके रक्त का रंग एक समान है। यदि किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाए, राजी ना करे ऐसा हो, पर अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए और खून की जरूरत पड़े, आपका ब्लड ग्रुप जो है, कोई भी ब्लड ग्रुप रहे, और उसी ब्लड ग्रुप का कोई व्यक्ति मिले जो आपको रक्तदान देने के लिए तैयार है, तो आप क्या जाति पूछेंगे उस समय? या ये देखेंगे कि कोई भी हो बस दे दे? अगर मान लीजिए कि आपके शरीर का कोई भी अंग डैमेज हो जाता है, आजकल कोई भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो जाता है, किडनी बदली जाती है, लीवर बदले जाते हैं, यहाँ तक कि हार्ट भी ट्रांसप्लांट होता है, और बहुत सारे अंग हैं जो एक से लेकर दूसरे में लगाए जा सकते हैं, तो क्या आप उस समय अगर आपको जरूरत होगी तो जाति देखेंगे कि हमारी ही जाति का चाहिए? नहीं। लेकिन बाकी चीजों में हम कहते हैं कि ये छोटी जाति का है, ये बड़ी जाति का है। और यहाँ तक कि मैं कई जगह पर सुंदर साथ को भी देखता हूँ, सुंदर साथ भी इन सब चीजों को मानते हैं, और जो सुंदर साथ होकर तारतम ज्ञान ग्रहण करने के बाद, वाणी और वितक की चर्चा सुनने के बाद भी अगर जाति की व्यवस्था को मानता है, जन्मना जाति व्यवस्था से किसी को छोटा और किसी को बड़ा समझता है, तो मैं उसे सुंदर साथ भी नहीं मानता। वो मेरी दृष्टि में सुंदर साथ नहीं है, और न वो वाणी और वितक के आधार पर वो सुंदर साथ हो सकता है। इसीलिए हमें अपनी दृष्टि आत्मिक रूप से रखनी होगी, किसी को भी जन्म के आधार पर, किसी को उसके भाषा के आधार पर, वेशभूषा के आधार पर भेदभाव करने का हमें कोई भी नैतिक अधिकार नहीं। देवचंद्र जी ने क्या किया, जित देखो अंकुर धाम को, गिनो ऊंच नीच न ताही। जहां भी परम धाम का अंकुर देखा वहां उन्होंने ऊंच नीच नहीं की, और उनसे यह ज्ञान हम तक पहुंचा है। श्री देवचंद्र जी ने हमें वैसा ही करके दिखाया है, और वैसी ही बात धर्म ग्रंथों में भी लिखी है। क्या कहते हैं कि सोई लिखी वेद पुराण में, जहां भक्त प्रकट हुई तिनकी जात पात न देखिए, ए वैकुंठ वालों की राह सोई। वैकुंठ के जो अनुयायी है वो भी जहां भक्त पैदा होते हैं उनकी जाति नहीं देखते। कल भी मैंने एक दृष्टांत दिया था, देखिए रावण ब्राह्मण कुल में उत्पन्न है, पुलत्स ऋषि का नाती है, विश्रवा ऋषि का वो पोता है, और उसके बावजूद भी वो राक्षस कहलाया, और वही हिरण्यकश्यपु राक्षस है,
उसका पुत्र होकर राक्षस पुत्र होते हुए भी प्रहलाद भक्त कहलाता है, और भक्त ही नहीं भक्तराज कहलाता है। इसी प्रकार चाहे वो नारद हो, नारद शूद्र कुल में उत्पन्न माने जाते हैं और उनको देवर्षि कहा जाता है। मातंग ऋषि हुए, वो चंडाल कुल में उत्पन्न थे। वाल्मीकि कौन है? आज जो चमड़ी का काम करते हैं या जिनको चमार कहा जाता है, वे अपने आप को वाल्मीकि लिखाते हैं। अगर वाल्मीकि जो है वो जाति की दृष्टि से निम्न हुए तो फिर वाल्मीकि ऋषि कैसे कहलाए? आदि कवि कहलाते हैं ना। यदि शूद्रों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं होता, गायत्री पढ़ने का अधिकार नहीं होता, और वाल्मीकि जी शूद्र होते तो वाल्मीकि जी ने संस्कृत में रामायण कैसे लिखी? और आपको पता है रामायण उन्होंने गायत्री मंत्र के आधार पर लिखा है। गायत्री मंत्र में 24 मात्राएं होती है ना, तो उस 24 मात्रा के आधार पर उन्होंने 24,000 श्लोकों की रामायण की रचना की है। इसका तात्पर्य क्या हुआ? उन्होंने गायत्री पढ़ा था, तभी तो उस पर आधारित उन्होंने वाल्मीकि रामायण के श्लोकों की रचना की। तो इस प्रकार बहुत सारे ऐसे ऋषि मुनि हुए, तपस्वी हुए, जो भिन्न भिन्न वर्णों में, भिन्न भिन्न वर्गों में उत्पन्न हुए, जो अपने कर्मों से महान कहलाए। और बहुत सारे राक्षस भी ऐसे हुए, बहुत सारे पापी व्यक्ति हुए जो तथाकथित ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए, लेकिन अपने कर्मों के कारण वे नीच कहलाए, निम्न कहलाए। तो चाहे आप धर्म ग्रंथों को देख लीजिए, पुराणों को, वैदिक ग्रंथों को, सभी ग्रंथों में कर्म के आधार पर वर्ण की व्यवस्था की गई है। और वही राह श्री देवचंद्र जी ने हमें दिखाई। तो कहते हैं, साथ सबे उतरियो चारों वर्णों माहे, ए बंधेज बांधे से होए अकारज ताही। सुंदर साथ का आगमन, ब्रह्म सृष्टियों का अवतरण अलग अलग जाति में, अलग अलग वर्णों में हुआ है। कोई ब्रह्म सृष्टि ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुई है, कोई क्षत्रिय में, कोई वैश्य में, कोई शूद्र में। आप देखिए, श्री जी ने ऐसी समरसता की वाणी दी है, श्री जी ने ऐसी सबको एक करने वाली वाणी दी है। और सिर्फ वाणी नहीं दी है, उनकी आप लीला को देखें तो एक तरफ जहां भीम भाई, श्याम भट्ट जैसे ब्राह्मण कुल में उत्पन्न लोग हैं, मुकुंद दास जी जैसे लोग हैं जो ब्राह्मण हैं, दूसरी तरफ उन्हीं के चरणों में महाराजा छत्रसाल जी जैसे क्षत्रिय भी हैं, इसी तरह राजा राम झाझनबाई जैसे वैश्य भी हैं, और उनकी जो बिस्तर की सेवा करते थे, श्री जी का बिस्तर बिछाने की सेवा करते थे, वो शूद्र कुल में आते थे। वनमाली दास जी बढ़ई का काम करने वाले थे, पर उन्होंने वो सेवा की। तो इस तरह श्री जी ने किसी में भी किसी प्रकार का भेदभाव न किया, न श्री देवचंद्र जी ने किया। और वही शिक्षा हम सबको बीतक के इस प्रसंग के माध्यम से दे रहे हैं। और एक प्रसंग में नहीं, ऐसे अनेकों प्रसंग आएंगे जहां पर श्री जी ने भेदभाव मिटाने के लिए सब कुछ किया। उदयपुर पहुंचे तो वहां भेदभाव की थोड़ी सी आशंका दिखी, उन्होंने सबकी वेशभूषा एक जैसी कराई कि अब पता ही नहीं चलेगा कि कौन किस कुल का है। सबकी ड्रेस एक जैसी कर दी, सबकी वेशभूषा, सबकी बनावट, देखने में किसी को पता ही नहीं चलता, पीछे से देखने पे पता ही नहीं चल रहा है कि कौन ब्राह्मण है, कौन क्षत्रिय है, कौन वैश्य शूद्र है, कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कुछ पता नहीं चल रहा है। इस तरह से श्री जी ने सबको एक किया। और इस तरह से उन्होंने दो बातों का जवाब दिया, और तीसरी बात जो थी कि मेरे और तुम्हारे अलावा और कोई तारतम नहीं दे सकता है, क्या कहते हैं कि सो हम तुम वस्त को कहां लो कहते फिर। आप और हम कहां तक वाणी की चर्चा करें? 12,000 ब्रह्मात्माएं अलग अलग प्रांतों में आई है, अलग अलग राज्यों में आई है, सब तक तो हम दो लोग नहीं पहुंच सकते।
बिहारी जी तो जामनगर से बाहर निकलने के लिए भी तैयार नहीं, वो तो ये कहते हैं कि हमें विरक्त नहीं बनना है, माया का माया को छोड़कर के घर बार छोड़कर के विरक्त नहीं बनना है। और अकेले मिहिरराज जी या फिर बिहारी जी दोनों मिलकर के भी कहां तक करें। इसीलिए क्या कहते हैं, जिनको पहुंचे तारतम सोई प्रकाश करे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तारतम ज्ञान का प्रकाश करने का अधिकार किसका है, जिसके पास तारतम ज्ञान है। जिनको पहुंचे तारतम सोई प्रकाश करे। जब हम ये कहते हैं सेवा पूजा करते समय कि तुम सतगुरु दीपक भय कियो कियो जो आप समान, इसका तात्पर्य क्या है कि सतगुरु महाराज आप दीपक हैं और आपने तारतम्य ज्ञान रूपी ज्योति से हमारे हृदय रूपी दीपक को भी जला दिया है। और जब दीपक एक बार जल जाता है तो उस जले हुए दीपक से हजारों बुझे हुए दीपकों को जलाया जा सकता है। और ये जो परंपरा है इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। हमें सद्गुरु से ज्ञान मिला, हम इस ज्ञान को किसी दूसरे तक पहुंचाएं, दूसरा तीसरे तक पहुंचाएं, इस तरह से एक से दो, दो से चार करते हुए धीरे धीरे संपूर्ण विश्व में ब्रह्मवाणी का प्रकाश होगा। और यहाँ तो हमने परंपरा बना रखी कि गुरु महाराज ही चर्चा करेंगे वाणी की। ब्रह्मवाणी हर कोई पढ़ नहीं सकता है, घर पे पधराना नहीं चाहिए। और घर पे जो पधराए तो ये नियम लगेगा, वो नियम लगेगा, ऐसे करके सुंदर साथ को हमारे समाज ने बहुत लंबे समय तक वाणी से वंचित रखा। आज से 20 वर्ष पहले तक भी घर घर में वाणी नहीं थी। और सुंदर साथ जो तारतम ग्रहण करता था और या फिर अपने घर में वाणी को पधराना चाहता था तो उसको बोल दिया जाता था कि कम से कम अपने आसपास के 5 गांवों के लोगों को बुला करके भंडारा देना पड़ेगा। क्यों, कारण क्या है इस चीज का? कोई कारण नहीं, कहीं वाणी में नहीं लिखा, कहीं वितक में नहीं लिखा कि ऐसा करना है। आपने अब तक के प्रसंग में कहीं नहीं पढ़ा होगा कि किसी को तारतम दिया जा रहा है तो भंडारा कराया जा रहा है या न आगे पढ़ेंगे। परम अंशों की परंपरा में भी कहीं ये बात सुनने को नहीं मिलती। पर सुंदर साथ अपने घर में वाणी रखने से पहले 10 बार सोचे और फिर हार मान जाए कि नहीं, इतना खर्चा तो हम नहीं कर सकते, इससे अच्छा मंदिर में जाकर के प्रणाम कर लेंगे। क्या मंदिर में जाके प्रणाम कर लेने मात्र से जागनी होगी? नहीं होती। जागनी कैसे होगी? जब तक ब्रह्मवाणी का प्रकाश हृदय तक नहीं पहुंचेगा तब तक बौद्धिक जागनी भी नहीं हो सकती। आत्म जागृति तो बहुत दूर की बात है। तो सुंदर साथ को वाणी से विमुख रखा गया। आज से 20 वर्ष पहले तक ये कहा जाता था कि मंदिर में दूर से ही राज जी को प्रणाम करना है, पास में जाएंगे छुएंगे तो पाप लगेगा। अगर कोई व्यक्ति अपने घर में वाणी पधराना चाहता था तो कहा जाता था कि अगर तुम 5 वक्त राज जी को भोग नहीं लगा सकते तो तुम राज जी को नहीं पधरा सकते। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे नियम बनाए गए और हर तरह से हर दृष्टि से कहीं ना कहीं गृहस्थी सुंदर साथ को इस प्रकार के बंधन में रखा गया कि कोई भी वाणी को घर पर पधराने के विषय में ना सोचे। ये तो अच्छा हुआ कि धीरे धीरे ब्रह्मवाणी का प्रकाश आज सुंदर साथ के घर घर तक पहुंचा है। और केवल चौपाई नहीं, टीका पहुंची है। अब तो राज्य की कृपा से एक नहीं अनेकों भाषाएं में टीकाएं उपलब्ध हो गई है। और इतना ही नहीं, वाणी से संबंधित बहुत सारे साहित्य भी उपलब्ध हो गए हैं। और किताब ही नहीं, प्रिंट मीडिया ही नहीं, अब तो आप यूट्यूब के माध्यम से, वेबसाइट के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से घर बैठे बैठे प्रतिदिन वाणी को पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। तो आज तो हमारा सौभाग्य है। पर बिहारी जी तो नियम बना रहे थे कि मेरे और मिहिरराज के अलावा और कोई तारतम नहीं देगा। श्री जी ने कहा जिनको पहुंचे तारतम सोई प्रकाश करे, ये अधिकार दिया है आप सबको। और साथ में कर्तव्य, क्योंकि अगर आपको प्रकाश करना है, आपको दीपक बनना है तो स्वयं भी जलना पड़ेगा।
दीपक दूसरों को प्रकाश देता है तो स्वयं जलता भी है। यहाँ जलने का तात्पर्य क्या है? कि आपको भी बहुत सारी कसौटी से पार होना पड़ेगा, आपको भी कई प्रकार से स्वयं को तैयार करना पड़ेगा, बौद्धिक रूप से तैयारी का तात्पर्य। यदि आप ब्रह्मवाणी का प्रकाश दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं तो आपको स्वयं भी वाणी पढ़नी पड़ेगी, वाणी के अर्थ को समझना पड़ेगा। यदि आप नए लोगों के बीच में, जिनके पास तारतम्य ज्ञान नहीं है पर विभिन्न संप्रदायों से संबंध रखते हैं, कहीं ना कहीं धर्म से जुड़े हुए हैं, उन तक यदि ब्रह्मवाणी का ज्ञान पहुंचाना है तो आपको उनके धर्म ग्रंथों का भी ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा, उसके लिए परिश्रम करना होगा। तो आपको बौद्धिक रूप से तैयार होना होगा, आपको शारीरिक रूप से भी तैयार होना होगा, क्योंकि जिस प्रकार श्री जी ने परिश्रम किया, आज भी यदि जागनी करनी हो तो हर व्यक्ति को परिश्रम करना होता है। आज हमारे समाज को आर्थिक दृष्टि से भी तैयार होना होगा, हर दृष्टि से तैयारी की आवश्यकता है। राज्य ने अधिकार तो दे दिया, पर अधिकार और कर्तव्य एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक तरफ श्री जी कहते हैं कि जिनको पहुंचे तारतम सोई प्रकाश करे, और दूसरी तरफ ये भी साथ में कह दिया कि निज नाम सोई जाहिर हुआ, जाकी सब दुनी राह देखत, मुक्त देसी ब्रह्मांड को आए ब्रह्म आत्म सत। और एक और हमारे समाज का ही एक वर्ग कहता है कि तारतम को बोलना नहीं चाहिए, छिपा करके रखना चाहिए, ये मंत्र है, इसका उच्चारण नहीं करना चाहिए, किसी को भी नहीं बताना चाहिए। और श्री जी कहते हैं जिसके पास भी तारतम ज्ञान है वो तारतम ज्ञान का प्रकाश दूसरों तक पहुंचा सकता है। लेकिन साथ में चूंकि अधिकार मिल रहा है तो कुछ कर्तव्य का भी भान रहना चाहिए। कभी कभी दो तरह की बातें होती है, दोनों रूपों में अति होती है, और अति किसी की भी सही नहीं होती है। क्या कहते हैं? अति का भला न बरसना, अति का भला न धूप, अति का भला न बोलना, अति का भला न चुप। बहुत ज्यादा बोलना और बहुत ज्यादा चुप रहना दोनों घातक है, बहुत ज्यादा बरसना भी घातक है और बहुत ज्यादा धूप होना भी घातक है। इसीलिए चाणक्य ने कहा अति सर्वत्र वर्जय, और हम क्या करते हैं, हम दोनों चीजों में अति कर देते हैं। कुछ सुंदर साथ ऐसे हैं हमारे समाज में ही जो तारतम देने में आगे आते हैं कि नहीं इनको तो मैं तारतम दूंगा, या तुम्हें तो मेरे से ही तारतम लेना है, फलाने से तारतम नहीं लेना है, ये भी गलत है। और कुछ लोग कहते हैं जब बारी आती है, कुछ लोग जाकर के विनम्रतापूर्वक चर्चा तो सुनाते हैं, लेकिन कोई जब तारतम लेना चाहता है तो कह देते हैं कि अभी हम तारतम देने के लायक नहीं हुए हैं। दोनों अति है। देखिए अगर आप किसी को तारतम दे करके अपने शिष्यों की मंडली बढ़ाना सोच रहे हैं कि देखो मैंने 1000 लोगों को तारतम दिया, इसका मतलब मेरे 1000 शिष्य हो गए, इन 1000 शिष्यों को चर्चा सुनाने का अधिकार केवल मेरा है, इन 1000 शिष्यों के द्वारा आए गए चढ़ावे पर केवल अधिकार मेरा है, तो वह भी अनुचित है। लेकिन आप ये सोचें कि नहीं मैं तो तारतम नहीं दे सकता, अभी मैं उस काम के लायक नहीं हूँ, तो वो भी अति है। मानता हूं कि आप विनम्र हैं, आपकी विनम्रता उचित है, लेकिन कोई व्यक्ति, कोई जीव जो जन्म जन्मांतरों से प्यासा है, आपको राज्य ने माध्यम बनाया, तो वहां अहम लेकर के नहीं, केवल ये भाव लेकर के कि राज्य आपके आदेश को सिरोधार्य करते हुए मैं यह तारतम्य ज्ञान इस आत्मा तक पहुंचा रहा हूं या पहुंचा रही हूं, ये भाव लेकर के उस व्यक्ति को आप तारतम दे दीजिए। और हाँ, उसे अपने से मत जोड़िए, उसे आप वाणी से जोड़िए, उसे आप मूल स्वरूप से जोड़िए, और या हो सके अगर आपके सामने प्रत्यक्ष आपके सद्गुरु हैं तो आप अपने सद्गुरु से जोड़िए। लेकिन जहाँ कोई व्यक्ति यदि तारतम आपसे लेना चाहता है तो आप ये मत कहिए कि नहीं अभी मैं नहीं दे सकता। हाँ, जहाँ आपसे बड़े कोई व्यक्ति हैं ज्ञान की दृष्टि से, समझदारी की दृष्टि से, उम्र की दृष्टि से, तो वहां आप बोल दीजिए कि नहीं यहाँ मेरे गुरुजी हैं, उनके रहते हुए आप उनसे ही तारतम ले लीजिए, ये उचित है, ठीक है, नीति भी है, ये इतनी विनम्रता होनी भी चाहिए। लेकिन
जहां पर आप अकेले हैं और यदि कोई व्यक्ति आपके द्वारा जो राजी ने कहलवाया आपको माध्यम बना करके उसे सुन करके यदि उसको तारतम वाणी पर विश्वास आता है और यदि तारतम ग्रहण करना चाहता है तो उसे तारतम देने में कोई हर्ज नहीं। हाँ, ऐसा करते हुए आपके मन में अहंकार नहीं आना चाहिए। आप अपनी बुद्धि में मन ही मन रिकॉर्ड कर याद करना बंद कर दीजिए कि मैंने अब तक इतने लोगों को तारतम दे दिया है। आज मेरे शिष्यों की संख्या 100 हो गई, फिर 2-4 साल के बाद कहने लगे 1000 हो गई। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। कर्तव्य पालन का भाव रखते हुए आप किसी को भी तारतम दे सकते हैं, क्योंकि श्री जी ने सभी ब्रह्मात्माओं को यह अधिकार दिया है। इस प्रकार चिट्ठी लिख करके अब बिहारी जी के पास श्री जी ने भिजवाई और सूरत में कलश ग्रंथ का अवतरण हो चुका था। कलश गुजराती का, इसका बीजारोपण हुआ था जामनगर में ही नजरबंद की अवस्था में, जिसको हम हफ्सा कहते हैं बोलचाल में। तो वहीं पर 2 चौपाइयां अवतरित हुई थी। अब वही कलश गुजराती सूरत में पूर्ण हुई और उसकी 1 प्रति बिहारी जी के पास भेजी गई। चिट्ठी भी भेजी और कलश भी भेजी। बिहारी जी ने कलश को देखा। कलश की वाणी क्या कहती है? जागनी के ब्रह्मांड में सबसे बड़ी शोभा किसको है? इंद्रावती जी को। इंद्रावती ने हूँ अंगे संगे, इंद्रावती मारू अंग, जे अंग सौंपे इंद्रावती ने, ताए प्रेमे रमाणु रंग। सुख लेऊं सुख देऊं सुखे जगाऊं साथ, इंद्रावती ने उपमा में दई मारी। इस तरह पूरी शोभा इंद्रावती जी को दी है। कोई भी सुंदर साथ जो इस कलश की वाणी को पढ़ेगा वो महामती जी की महिमा को समझ जाएगा, वो प्राणनाथ जी की महिमा को, वो 5वें दिन की लीला करने वाले स्वरूप की महिमा को समझ जाएगा। पर बिहारी जी ने क्या देखा कि जब सारी शोभा इंद्रावती जी की है तो मैं कौन हूँ फिर? और चिट्ठी भी पड़ी तो क्या हुआ? जले पर नमक छिड़कने वाली बात हो गई। एक तो चिट्ठी में उन्होंने बिहारी जी के द्वारा लिखे गए 3 नियमों का खंडन किया, 1 भी नियम नहीं माने और साथ में कलश और भेज दिया। तो बिहारी जी कहते हैं कि न मानो कलश को, देखी पाती जब जब चिट्ठी देखी। तो उन्होंने पुनः चिट्ठी लिखी और उसमें कहा कि पहली बात कि मैं तुम्हारे कलश को नहीं मानता और आज से तुम्हारा और मेरा रास्ता अलग हो गया है। हमने तुम्हारे शब्दों के माध्यम से, तुम्हारी चिट्ठी और वो जो तुमने कविता रच के भेजी है उसके माध्यम से हमने तुम्हारी पहचान कर ली है और मैं समझ गया हूँ कि तुम तो सुंदर साथ में रहने के लायक नहीं हो। तुम नहीं हमारे साथ में, हम काढ़े तुम्हें इस धाम, हम तुम्हें परम धाम से बहिष्कृत करते हैं, क्योंकि तुमने उस सुंदर साथ को, उस व्यक्ति को अपने साथ रखा है जिसको हमने निकाला है। हम जिन साथ को काढ़िया, क्यों तिनको लिया बीच दिन, तो इत तुमको हमारा छूट गया आकिन। जिसको हमने निकाला उसको तुमने अपने पास रखा, इसका तात्पर्य यह है कि तुम्हें हमारे ऊपर विश्वास नहीं है। और जब हम पर विश्वास ही नहीं है तो हमारे से संबंध रखने का क्या प्रयोजन है? इसलिए हमारे तुम्हारे नाता न रहया, जिन पाती करी मजबूर। अब आगे से हमें पाती भी नहीं भेजना, चिट्ठी मत भेजना, अब से तुम्हारा और मेरा कोई संबंध नहीं। इस प्रकार चिट्ठी लिखी जो सूरत पहुंची। जब श्री जी के पास ये चिट्ठी पहुंची, श्री जी कहते हैं कि बिहारी जी को ऐसा तो नहीं कहना चाहिए था। वैचारिक मतभेद अलग चीज है और मन भेद अलग चीज है। एक कहावत कही जाती है कि जहां 2 बर्तन रहते हैं वो भी आपस में बजते हैं। तो मतभेद होना, विचारों की विभिन्नता होना अलग है, पर जहां मन में भी भेद हो तो फिर संबंध नहीं टिकता है। एक दूसरे की बात को काटना तार्किक दृष्टि से, बौद्धिक दृष्टि से, स्वस्थ रूप से तो वहां तक ठीक है, पर मन में ही मन मुटाव हो तो फिर क्या किया जा सकता है? और बिहारी जी के तो मन में मुटाव पहले से ही है, बचपन से ही। वो तो बहाना ढूंढ रहे थे कि कहीं से बहाना मिले, श्री जी दे नहीं रहे थे,
गादी पर भी बैठाने में श्री जी ही आगे थे, हर जगह पर चिट्ठी लिख करके सूचना देने में भी श्री जी ही हैं। तो ये संबंध किसकी तरफ से चल रहा था? श्री जी की तरफ से। और जैसे ही विरोध करना शुरू किया, होता क्या है दुनिया में, जो स्वार्थ का संबंध होता है वो तब तक टिकता है जब तक आप उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। जैसे ही आपने सामने वाले की गलत बात को गलत कह दिया, अगर स्वार्थ का संबंध होगा तो फिर वो टिकना बंद हो जाएगा। बिहार जी ने ऐसा ही किया। श्री जी कहते हैं कि इनको ऐसा तो नहीं करना चाहिए था। अब सब सुंदर साथ ने जब इस बात को सुना, आपस में विचार विमर्श किया और श्री जी के पास आकर के कहते हैं कि श्री जी साहेब, आप इस बात की बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए कि बिहार जी ने ऐसे चिट्ठी लिखी। इससे पहले कि सुंदर साथ श्री जी के पास आए, उन्होंने आपस में विचार विमर्श किया और पूछा एक दूसरे को कि आप बताइए कि श्री देवचंद्र जी की लीला किस तन से चल रही है, श्री जी के द्वारा या बिहारी जी के द्वारा। और इस विषय में तो कोई दो मत था ही नहीं कि बिहारी जी केवल गुरु पुत्र होने के कारण गादी पर बैठाए गए हैं, असली वास्तविक योग्यता तो मिहिर राज जी के अंदर है, इस प्रकार की बातचीत चल रही थी। और श्री जी के पास आकर के कहते हैं कि श्री जी साहेब, तुम लेओ हक सिर काम, राज जी के काम को आप सिरोधार्य कीजिए, क्योंकि आज तक सुंदर साथ को इकट्ठा करने के लिए बिहार जी ने कोई काम नहीं किया है, कोई उनसे साथ में लाया नहीं ईमान, चर्चा राज की करके काहू न भई पहचान। बिहार जी के द्वारा चर्चा सुन करके किसी को भी राज्य की पहचान नहीं हुई है, कोई उनके द्वारा ईमान लेकर के नहीं आया है, और उल्टा क्या होता है, जिनको तुम समझाए के भेजत हो उन तरफ, सो विकार पाए के खाए आवत सब सक। जागनी करते इसके विपरीत जिनको आप समझा करके भेजते हैं वो भी बिहार जी के पास जब जाता है, उनकी रहनी को देख करके, उनकी बातों को व्यवहार को देख करके, उल्टा बिहार जी के लिए मन में विकार आता है, क्रोध का विकार आता है, संशय रूपी विकार आता है और शक लेकर के लौट आते हैं। और अगर ऐसा होता रहा भविष्य में तो आपकी बात पर भी शक करेंगे, होता कि नहीं होता। सोचिए कि मान लीजिए कि आप श्री जी की जगह पर हैं, आपने मुझे समझा करके बिहार जी के पास भेजा, मैं जाकर के बिहार जी के पास जाऊंगा, उनकी रहनी को देख करके क्या सोचूंगा कि इन्होंने ज्ञान की तो बहुत ऊंची ऊंची बात की थी पर वास्तव में आध्यात्मिक शक्ति नहीं है, और जो थोड़ा बहुत ईमान आपकी चर्चा सुन करके आया होता है वो भी समाप्त होता बिहार जी की बात सुनकर। इसीलिए सुंदर साथ कहते हैं कि अब तुम क्या देखत, नजर करो तरफ धाम, लेओ तुम सिर अपने दीन इस्लाम का काम। कहते हैं कि अब आप क्या देख रहे हैं श्री जी साहब, आप मूल स्वरूप राज्य की तरफ नजर कीजिए और उनकी आज्ञा को सिरोधार्य करते हुए धर्म के प्रचार का कार्य आप अपने ऊपर ले लीजिए, और हम आपके इस कार्य में तन मन धन से सेवा करेंगे। इस तरह सब सुंदर साथ आए, जिनकी अगुवाई भीम भाई जी ने की। भीम भाई जी ने सब सुंदर साथ को प्रबोधित किया, एक किया और क्या किया, साथ सब लागू हुए, आगा किया भाई भीम, चर्चा करके सिर ले लिया जस अजीम। जस कहते हैं यश को, यश अर्थात प्रतिष्ठा, शोभा। भीम भाई जी को ये शोभा मिली कि उन्होंने सब सुंदर साथ को श्री जी के चरणों में ईमान लाने के लिए प्रबोधित किया, और उनके ही प्रबोध का, उनकी ही प्रेरणा का प्रभाव ये हुआ कि 500 सुंदर साथ श्री जी के चरणों में अपना सर्वस्व न्यौछावर करते हुए सब कुछ छोड़ करके साथ साथ में चलने के लिए तैयार हुए हैं। इसलिए उनको यश मिला, उनको शोभा मिली। और अब श्री जी ने चिट्ठी लिखी, और चिट्ठी में क्या लिखा,
कहते हैं, तुम हमको काढ़े साथ से, हम सिर पर लिया काम। कहते हैं बिहारी जी महाराज, आपने हमें सुंदर साथ से निकालने की चिट्ठी लिखी, पर हम सुंदर साथ को जगाने की सेवा अपने ऊपर लेते हैं। और यदि ये सभी प्रचारकों के लिए है, कहते हैं जो हम स्वार्थ को दौड़ करेंगे इत, तो सीधा कबहू न होएगा हम जाएंगे तित। यदि हम स्वार्थ पूर्ति के लिए चर्चा करेंगे, यदि हम स्वार्थ पूर्ति के लिए प्रयास करेंगे, तो हमारा काम कभी भी नहीं बनेगा। और यदि सुंदर साथ के लिए मेहनत करते हैं और साथ के वास्ते जो हम करत मेहनत, तो हमारे सीधा होएगा नजीक है साईं। अब जागनी होने का, सुंदर साथ के जागने का समय बहुत नजदीक है। यदि हम बिना स्वार्थ के केवल ब्रह्मात्माओं की जागनी के भाव से प्रयास करते हैं, तो कोई भी हमारे लक्ष्य को रोक नहीं सकता है। इस तरह चिट्ठी लिख करके श्रीजी ने बिहारी जी के पास भिजवाया और कहा कि हम तो कमर बांधी श्री निज धाम के काम, परम धाम के काम में, ब्रह्म सृष्टियों को जगाने के काम में हमने कमर बांध लिया है, अर्थात हम पूरी तरह से तैयार हैं। इस तरह बिहारी जी के पास चिट्ठी भेजी गई। इसी बीच एक घटना होती है, महत्वपूर्ण घटना। कहते हैं इन समय लालदास साथ आया ठट्ठे से, सुदामापुर पहुंचिया कहो बीतक तीन से। अब थोड़ी सी लालदास जी की बीतक बता रहे हैं। विक्रम संवत 1727 में लालदास जी सुदामापुर पहुंचते हैं। और कारण क्या है कि लालदास जी के बहुत सारे जहाजों से व्यापार चला करते थे, बहुत बड़े व्यापारी थे। ये बात परंपरागत रूप से कहने में आती है कि उनके 99 जहाज थे जिनके द्वारा उनका व्यापार चला करता था। लेकिन अब राज्य की बातिनी मेहर इस प्रकार की हुई, बातिनी मेहर मैं कह रहा हूं कि उन पर ऐसी बातिनी मेहर हुई कि उनका सारा व्यापार डूब गया। जिन जहाजों से उनका सामान आ रहा था वे जहाज डूब गए। अब होता क्या है कि संपत्ति के सब साथी होते हैं, विपत्ति का कोई भी नहीं होता है। जब देने का समय आता है तो सब लोग भागते हैं, और लेने का समय आता है तो सब लेने के लिए आ जाते हैं। ये दुनिया की रीति है। इसलिए किसी ने एक गायन किया था, मैंने बहुत पहले सुना था, कहाँ का गायन है मुझे पता नहीं, पर उसमें कहा था कि सुख के सब साथी दुख के न कोई। ये वास्तविकता है दुनिया की। और अब जैसे ही लालदास जी का लौकिक व्यापार चौपट हुआ, लालदास जी ने जिन जिन को दे रखा था वो तो छिप गए कि देखो ये मांगने आ जाएंगे अब। और लालदास जी ने जिन जिन से ले रखा था, क्योंकि व्यापार में लेन देन तो चलता ही रहता है, लालदास जी ने जिन जिन व्यापारियों से ले रखा था वो आ गए कि कहीं भाग न जाए। अब बेचारे क्या करते हैं? वैसे मैं बेचारा तो नहीं कहूंगा, क्योंकि राजी ने लौकिक धन लेकर के वो अलौकिक धन दिया है लालदास जी को कि किसी भी ब्रह्म सृष्टि को महामती की शोभा प्राप्त नहीं हुई है। इंद्रावती जी के अलावा अमरूल मोमिनिन की शोभा मिली महाराजा छत्रसाल जी को, पर महामती की शोभा और किसी को भी नहीं मिली। इसीलिए वे बेचारे तो नहीं। तो अब जो भी थोड़ा बहुत बचा था उसके द्वारा, चाहे घर बचा होगा, थोड़ा बहुत व्यापार का कुछ भी धन वगैरह बचा होगा, उससे उन्होंने कुछ लोगों की देनदारी की और अब वहां से निकलते हैं। संवत 1727 में सुदामापुर पहुंचे। ये सूरत में ही कोई जगह है, वहां भीम भाई और पीताम्बर जी मिलते हैं। अब लालदास जी ने ठट्ठा नगर में भी श्री जी से चर्चा सुनी थी और भीम भाई जी के द्वारा भी अब चर्चा सुनी। कहते हैं कि
तब दज्जाल इन समय लगा जो करने शोर, विठलेश गुसाई के लगे निंदा करने जोर। अब वहां जब लालदास जी, भीम भाई, पीताम्बर ये सब मिलते हैं, जागनी होने लगती है, तो वहां के जो गोस्वामी थे, वैसे तो गोस्वामी का अर्थ क्या होता है पता है आपको? गो का अर्थ होता है इंद्रियां, गो का अर्थ गाय भी होता है, पर यहाँ गोस्वामी का अर्थ है जो स्वयं की इंद्रियों का मालिक है, जो राधा वल्लभी मार्ग के लोग हैं, वल्लभाचार्य मार्ग के लोग, वे स्वयं को गोसाई लिखवाते हैं या गोस्वामी लिखवाते हैं। तो उनके बीच में अब थोड़ी खलबली मच गई, क्योंकि उनके जो शिष्य थे, उनके जो अनुयायी थे, वो भी तारतम लेने लगे थे, वो भी सुंदर साथ में शामिल होने लगे थे। तो उन्होंने अब क्या कहना शुरू किया कि देखो, ये तो चूहों का धर्म है, धर्म उंदरियो पैदा भयो पाँव बांधत घुंघरी। क्योंकि उस समय क्या होता था कि राज्य की कोई चमत्कारी लीला होती थी, आड़ी का लीला होती थी इस तरह। अब आड़ी का लीला में क्या होता था कि जब सुंदर साथ राज्य को भोग लगाते थे, तो वहां कभी कृष्ण जी की घुंघरू की आवाज सुनाई पड़ती थी, दिखाई नहीं पड़ती थी, कृष्ण जी की घुंघरू की आवाज आती थी। तो इस आड़ी का लीला से लोग प्रभावित हो रहे थे, तो इन्होंने क्या कहना शुरू किया कि ये तो चूहों वाला धर्म है, ये लोग क्या करते हैं, चूहे के पैर में घुंघरू बांध करके छोड़ देते हैं, और चूहे जब इधर उधर भागते हैं तो घुंघरुओं की आवाज आती है, ये प्रचार करते हैं कि देखो कृष्ण जी आकर के भोग ग्रहण कर रहे हैं। इस प्रकार उन लोगों ने निंदा करनी शुरू की। लेकिन अब बेचारे निंदा ही तो कर सकते हैं, भागवत के जो प्रश्न थे उन प्रश्नों का उत्तर तो नहीं दे सकते, उनका अर्थ कोई नहीं बता सकता। इस प्रकार अब उनकी बुराई का दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है और लोग नए नए आने लगते हैं। अब इस प्रकार लालदास जी को जब उनका व्यापार पूरी तरह से बंद हो गया, जिन जिन देनदारों को देना था थोड़ा बहुत तो दे पाए, और वहां से ये सोच करके निकले, क्योंकि श्री जी ने तो उन्हें बिहारी जी की पहचान कराई थी, ये सोच करके निकले कि मैं जामनगर जाऊंगा, नौतनपुरी, और जाकर के बिहारी जी महाराज का दर्शन करूंगा, धाम धनी श्री बिहारी जी महाराज का। और जब तक उनका दर्शन नहीं कर लेता तब तक मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगा और केवल फल लूंगा। अन्न का नेम लिया जब मैं करो दीदार, नौतनपुरी जाए के देखो धनी निर्धार, तब लो अनाज ना लेऊं तो लो करो फल आहार। तो तब तक मैं क्या करूंगा, फल आहार करूंगा, अनाज ग्रहण नहीं करूंगा। इस प्रकार निकलते हैं जामनगर के लिए, मगरोल पहुंचे, वहां से फिर पाटन गए, और पाटन से फिर उनको अंतः प्रेरणा हुई और कहा कि तुम सूरत चले जाओ। सूरत गए, और सूरत के लिए जब वो निकले तो क्योंकि पहले दीप बंदर पड़ता है, दीप बंदर पहुंचते हैं, और दीप बंदर से उतर करके सूरत पहुंचे विक्रम संवत 1729 में। लंबा समय लग गया, अलग अलग जगहों पे होते हुए आए। अब जब वो श्री जी के चरणों में पहुंचे, क्या कहते हैं, श्री जी अपने चित्त में बड़ो पायो सुख, प्रसाद लेओ उठो अब, यों कहया श्रीमुख। श्री जी के चरणों में जब लालदास जी पहुंचते हैं, उन्हें बहुत प्रसन्नता हुई, क्योंकि अंतः प्रेरणा से वो पहचान चुके हैं कि लालदास जी से बहुत बड़ी सेवा लेनी है, और उन्होंने कहा कि अब उठो, आप प्रसाद ग्रहण करो। लालदास जी कहते हैं कि मैंने अनाज ग्रहण नहीं करने का व्रत लिया है, जब तक मैं धाम धनी के दर्शन नहीं करूंगा तब तक मैं अनाज ग्रहण नहीं करूंगा। श्री जी कहते हैं कि देखो, तुम्हारा प्रण पूरा हो चुका है, इससे पहले कभी भी श्री जी ने किसी को बिहार जी के पास जाने से नहीं रोका था, उल्टा वो तो भेजते थे कि जाओ बिहार जी के पास दर्शन करके आओ, पर यहाँ लालदास जी स्वयं आए हैं, पर उन्होंने कहा कि नहीं,
तुमने जो प्रण लिया था धाम धनी के दर्शन करने का वो पूरा हो चुका है। तुम ये सोच लो कि तुम सुंदर साथ के मिलावे में पहुंच चुके हो, अब किसी भी प्रकार की फिक्र करने की आवश्यकता नहीं है। और इस तरह अब लालदह जी श्री जी के चरणों में रह गए और ऐसे रहे कि अपने आखिर समय तक उन्होंने साथ निभाया। श्री जी के चरणों में उन्होंने इस प्रकार सेवा की कि जहां जहां पे लगाया उन्होंने ये नहीं देखा कि मैं इतना बड़ा व्यापारी था। चाहे वो औरंगजेब के दरबार में जाने की आवश्यकता पड़ती हो, चाहे और कहीं भी आवश्यकता पड़ने पर आगे आकर के धर्म के लिए लड़ाई भी की, आवश्यकता पड़ने पर व्यवस्थापन का कार्य भी देखा, आवश्यकता पड़ने पर शास्त्रार्थ के लिए भी तैयार हुए, हर कार्य उन्होंने किया। और लालदास जो नाम है वास्तव में उनका नाम तो लक्ष्मण सेठ है, पर स्वयं विनम्रता के भाव से कि मैं तो चरणों का सेवक हूं, दास का मतलब सेवक होता है ना, तो उस सेवक के भाव से उन्होंने स्वयं को लालदास कहा है, तो वो लक्ष्मण। तो ये विनम्रता का भाव था उनका। अब वो वहां से जामनगर नौतनपुरी कभी भी नहीं गए। मैं इस प्रसंग से सभी सुंदर साथ को ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं। देखिए, इस जागनी के ब्रह्मांड में सब सुंदर साथ के लिए सम्माननीय तीन पुरियां हैं। सुंदर साथ के लिए नौतनपुरी, महामंगलपुरी और पद्मावतीपुरी। नौतनपुरी जामनगर, महामंगलपुरी सूरत और पद्मावतीपुरी पन्ना जी। तीनों स्थानों का अपना अपना महत्व है, पर महत्व भिन्न भिन्न कारणों से होता है। एक ऐतिहासिक कारण होता है और एक उसकी महिमा होती है। नौतनपुरी की क्या महिमा है? नौतनपुरी की महिमा यह है कि सबसे पहले तारतम वाणी का अवतरण उस स्थान पर हुआ था। एते दिन त्रैलोक में हुति बुद्ध सुपन, सो बुद्ध जी बुद्ध जागृत ले प्रगटे पुरी नौतन। सबसे पहले, लेकिन वर्तमान समय में वैसे तो सभी पुरियों में या जितने भी मंदिर हैं हर जगह पर राज्य को पधराया है, ब्रह्मवाणी को पधराया है कि नहीं? तो ब्रह्मवाणी के पधराए होने से सबकी महिमा एक जैसी होती है। ऐतिहासिक महिमा देखने पर नौतनपुरी की महिमा यह है कि वहां पर तारतम वाणी का अवतरण हुआ था। अब सूरत की क्या महिमा है? क्योंकि सूरत में सबसे पहले सभी सुंदर साथ ने श्री जी को अक्षरातीत के रूप में आरती उतारी और उनके चरणों में पूर्ण विश्वास ला करके वहां से 500 सुंदर साथ की जमात जागनी के का उत्तरदायित्व वहन करने के लिए निकली, तो सूरत की वो महिमा है। पर पद्मावती पुरी की महिमा ऐतिहासिक नहीं है। ऐतिहासिक तो है ही, पर साथ में उसकी महिमा यह है कि आज ही नहीं जब तक ब्रह्मांड रहेगा तब तक उसे हम जागनी ब्रह्मांड का मूल मिलावा कहेंगे। जागनी ब्रह्मांड का मूल मिलावे का तात्पर्य यह है कि वहां पर प्रत्येक ब्रह्मात्मा जागृत होकर के जब अपना नश्वर तन छोड़ेगी तो वो ब्रह्मात्मा वहीं पर जाएगी। मैं कई बार ये सुंदर साथ के समाज में सुनता हूँ, कभी कभी किसी के लेख भी पढ़ता हूँ, कहते हैं कि जो नौतनपुरी नहीं जाएगा उसकी आत्मा जागृत नहीं होगी। जाइए, बहुत अच्छी बात है। आप में सामर्थ्य है तो एक बार क्या 10 बार जाइए, अपने बच्चों को भी ले जाइए, जो ये जाने कि यहाँ पर हमारी तारतम वाणी का अवतरण हुआ था। पर उसको आप आत्म जागृति से मत जोड़िए। आत्म जागृति अगर नहीं होती तो लालदास जी तो गए ही नहीं। लालदास जी के नौतनपुरी पहुंचने का वर्णन आप देखेंगे कहीं नहीं मिलेगा, उल्टा श्री जी ने रोक दिया। तो उस स्थान का महत्व जो है वो ऐतिहासिक है।
ऐतिहासिक रूप से ही उसका महत्व होना चाहिए, परंतु जागनी के ब्रह्मांड में छठे दिन की लीला में भी सबसे बड़ी जो महिमा है वो श्री पांच पद्मावतीपुरी धाम पन्ना जी की है, क्योंकि वहां पर आज भी श्री जी समाधिस्थ अवस्था में विराजमान है। तो ये वहां की महिमा है। अब आगे ये जो प्रसंग है जागनी का वो बढ़ता है। इसमें एक कथानक के माध्यम से, एक घटनाक्रम के माध्यम से तुलनात्मक रूप से बताया गया है कि हजरतें हज इत करी लेने को मक्का, फतेह करी दज्जाल की कूच करे दारुल मक्का। मोहम्मद साहब ने जब सबसे पहले अरब देश में परमात्मा एक है ऐसा कहना शुरू किया तो लोगों ने उनका विरोध किया, और विरोध कैसे किया, हथियारों से, और उन पर हमले किए। प्राण रक्षा करने के लिए वे मक्का से मदीना की तरफ प्रस्थान करते हैं, पलायन करते हैं, जिसको कि हज कहा गया, और वहां चल के मदीना पहुंच करके वहां के लोगों को उन्होंने प्रेरित किया, अपने साथ जोड़ा, और फिर वापस उस मक्का शहर पर अपना कब्जा किया। अब यहां पर उसी कथानक के आधार पर तुलनात्मक रूप से बताया गया है कि श्रीजी साहब ने जामनगर को छोड़ा नौतनपुरी को और सूरत पहुंचे, तो सूरत को मदीने के रूप में लिया गया, जामनगर को मक्के के रूप में, लेकिन श्रीजी को जामनगर की जाहिरी गद्दी नहीं चाहिए, लेकिन जामनगर की गद्दी से पहले जो जागनी का कार्य हुआ था वही जागनी का कार्य श्रीजी को करना है, और उसमें मदद किसने की, शहर मदीना सूरत तहां से थी चले जब, महाजरो मदद करी जो साथ सेवा में चले तब। जिन सुंदर साथ ने मदद की उनको महाजर लिखा गया। महाजर किसे कहते हैं, जो घर बार छोड़ करके निकले थे, आज की दृष्टि से देखा जाए तो शरणार्थी कह सकते हैं। शरणार्थी का अपना घर बार नहीं होता है, तो वो भी अपना घर बार छोड़ करके निकले हैं, इसलिए उनको महाजर कहा गया। कहते हैं कि उन ब्रह्म सृष्टियों की सिफत, उनकी महिमा का वर्णन कहां तक किया जाए। और उन सुंदर साथ ने ये नहीं देखा, ये नहीं सोचा गया कि सोचा कि हमारा भविष्य क्या होगा। उन सुंदर साथ के नाम यहाँ पर बता रहे हैं। कहते हैं कि तिनके नाम कहत हो सुनियो चित दे साथ, कुवत दई कादर ने पकड़े अपने हाथ। कुवत कहते हैं सामर्थ्य। उन सुंदर साथ को घर बार छोड़ने की सामर्थ्य किसने दी, वो हिम्मत किसने दी। घर बार छोड़ना आसान नहीं होता, और वो भी ऐसी अवस्था में जब पता ही नहीं कि कल क्या होगा। किसी ने वापस लौटने का भी नहीं सोचा था कि चलो दो चार दिन छोड़ते हैं, मजा नहीं आएगा तो वापस लौट आएंगे। एक दो दस बीस लोगों की छोड़ने की भी बात नहीं है, 500 सुंदर साथ हैं जिन्होंने घर बार छोड़ा और श्री जी के साथ हो लिए। आज तो हम दो घंटे की चर्चा सुनने के लिए भी ज्ञानपीठ आते हैं तो वापसी की योजना बना करके आते हैं कि इतने बजे तक पहुंच जाना है। 7 दिन के वार्षिक उत्सव में आते हैं तो अपनी पूरी तैयारी के साथ हम आते हैं कि 7 दिन के लिए जा रहे हैं, कपड़े धोने का समय मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो 7 जोड़ी कपड़े तो कम से कम रख लेते हैं, अगर समय नहीं मिलेगा तब भी वापस आकर के यहाँ पर घर पे धो लेंगे, तो इतने जोड़ी कपड़े हैं। रास्ते के लिए आने जाने की टिकट तो बन ही चुकी है, इतने 1000 रुपए खर्च हो सकते हैं तो इतना कैश ले लेते हैं, बाकी अकाउंट में तो है ही, नहीं होगा तो किसी से मंगवा लेंगे, बेटे से ले लेंगे या फिर पति से ले लेंगे, कुछ भी करेंगे, मैनेज हो जाएगा। इस तरह से 7 दिन के लिए अगर आना होता है तब भी योजना बनाते हैं। अच्छा, इसके जगह पर अगर 1 महीने के लिए आना हो तो हम फिर उसी अनुरूप योजना बनाएंगे।
कि एक महीने रुकना है, इतने इतने की आवश्यकता पड़ेगी, वो सारी योजना बनाएंगे। और जो सुंदर साथ सूरत से निकले हैं, उन्होंने कितने दिन की योजना बनाई थी? कोई योजना नहीं है। किसी ने ये नहीं सोचा है कि हमारा भविष्य क्या होगा, क्योंकि जो 500 सुंदर साथ निकले हैं उनमें सारे जवान नहीं है या सारे बूढ़े नहीं है कि वयोवृद्ध हो चुके हैं, रिटायर्ड हो चुके हैं, अब निकलने में कोई हर्ज नहीं, ऐसा नहीं है। हर उम्र के सुंदर साथ हैं। कई तो पूरे परिवार के साथ निकले हैं, जिसमें बुजुर्ग भी हैं, अधेड़ भी हैं, जवान भी हैं, बच्चे भी हैं। ऐसे 500 लोगों की जमात निकली है सूरत से। और उन जवानों ने ये नहीं देखा कि हमें शाम का भोजन कौन कराएगा, कल खाना कहाँ पे मिलेगा, मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, किधर से कहाँ तक जाना है, कितने दिन तक यात्रा करनी है, कब वापस आएंगे, कुछ सोचा नहीं। और ये करना बहुत मुश्किल होता है। आज के समय में जिनको बंजारा कहा जाता है ना, बंजारा समझते हैं, अलग अलग जगहों पे रुकते हैं, टेंट वेंट लगा करके, फिर मौसम के हिसाब से वहां से उठ जाते हैं, दूसरे जगहों पे जाते हैं। ये बंजारे कौन थे आप जानते हैं? ये वो बंजारे हैं जो महाराणा प्रताप के समय में, जब अकबर से युद्ध हुआ था, तो इन बंजारों ने, चूंकि ये वन में रहने वाले उस समय के वनवासी आदिवासी थे जिन्होंने महाराणा प्रताप की मदद की थी, और उनकी मदद करने में वे अपने घर को छोड़कर के अलग अलग जगहों पे छिपते थे, हथियार इत्यादि बना करके महाराणा की मदद करते थे। और जब महाराणा प्रताप जंगल में अलग अलग जगह पर भाग रहे थे, घास की रोटियां खा रहे थे, तो इन बंजारों ने सोचा कि हमारे राणा जब घास की रोटी खा रहे हैं, हमारे राणा दर दर भटक रहे हैं, तो हम भी अपने घरों में नहीं रहेंगे। ये सोच करके उन्होंने समर्पण किया था, वे बंजारे हैं, और आज तक वो उस नियम का पालन कर रहे हैं। और हमारे समाज में हमारे जो बंजारे हैं, ये है 500 सूरत के सुंदर साथ। हमारे जो महाजर हैं, ये सूरत के वो 500 सुंदर साथ हैं। उनकी परंपरा को हम अक्षुण तो नहीं रख पाए, पर कुछ हद तक तो कर सकते हैं। जिंदगी भर दर दर भटकने की तो अब आवश्यकता भी नहीं है, पर थोड़ा सा तो समर्पण कर सकते हैं। उन्होंने अपना पूरा जीवन दिया, हम दिन का कम से कम 4 घंटा तो दे सकते हैं राज्य के कार्य के लिए, जागनी कार्य के लिए। यदि सब सुंदर साथ अपने अपने दिन का 4 घंटे के हिसाब से भी मेहनत करें, तो मुझे लगता है कि जागनी में बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। और धीरे धीरे चक्रवृद्धि ब्याज की तरह, कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह, यह जागनी का जो काफिला है, जैसे 500 से 5000 पहुंचा था, इसी तरह आज भी 40 लाख से 4 करोड़ होते हुए कब 4 अरब तक पहुंचेगा, लेकिन उसके लिए तो करना पड़ेगा। बातें में मीठी मीठी कर लो, आप हाँ जी हाँ जी कह दें, बड़ी बड़ी बातें कर लें और इसको स्टेटस में डाल दें, मीटिंग वीटिंग कर लें, लेकिन अगर करने में कुछ नहीं है तो क्या होगा? भले ही हमारे पास राज्य ने कितना भी बड़ा ज्ञान दिया हो, कितनी भी बड़ी शोभा दी हो, लेकिन सिर्फ शोभा से थोड़ी होता है। नीति का कथन है, अगच्छन वैनतेयो अपि पदम एकम न गच्छति। वैनतेय कहते हैं गरुड़ को। गरुड़ के विषय में कहा जाता है कि वो मन वेगी चाल से चल सकता है, पर अगर पंख ही न फड़फड़ाए तो एक कदम भी नहीं चल सकता, और निरंतर प्रयास करने पर तो चींटी भी योजन भर चल जाती है। और पंख न फड़फड़ाने से गरुड़ एक कदम भी नहीं चल सकता है। हमारी अवस्था वैसी ही है, हमारी अवस्था उस खरगोश की तरह है जो एकाध दिन तक थोड़ी तेजी से चलता है, थोड़ी मेहनत करता है, उसके बाद सो जाता है। उसको लगता है कि नहीं, कछुआ धीरे धीरे आ रहा होगा। यहाँ हमारा कंपटीशन, यहाँ हमारी प्रतिस्पर्धा किसी कछुए से नहीं है, यहाँ पर हमारी प्रतिस्पर्धा स्वयं से है। हमें स्वयं से ही प्रतिस्पर्धा करनी पड़ेगी कि कल हम जैसे थे, आज हम उससे और बेहतर हों, आज हम जैसे हैं, कल उससे और बेहतर हों। हमें स्वयं से ही प्रतिदिन प्रतिस्पर्धा करनी पड़ेगी, और
हमारे लक्ष्य को और ऊंचा उठाना होगा और उसी ऊंचे लक्ष्य के अनुरूप परिश्रम करना होगा। अब वे 500 सुंदर साथ जिनका नाम वर्णन कर रहे हैं, सबसे पहले श्री जी संग बाई जी, सबसे पहले श्री जी हैं, उनके साथ बाई जी राज जी हैं और भट्ट गोवर्धन, गोवर्धन भट्ट हैं जो आए थे सूरत में, जिन्होंने खर्च उठाया था। कहते हैं सेवा करी तन धन सो तो हुआ साथ में धन धन, तन से भी सेवा करी और धन से भी सेवा करी, इसलिए सुंदर साथ में धन धन हो गए। अब आप सोच रहे होंगे कि मन से सेवा नहीं की, सेवा तो तन मन धन से कही जाती है ना, तो मन से सेवा क्यों नहीं की, तन से और धन से क्यों की? ऐसा इसीलिए क्योंकि बिना मन के तो तन की सेवा नहीं हो रही है, बिना मन के धन की भी सेवा नहीं हो रही है। जब ये बात की जाती है ना तन मन धन से सेवा की, तो इसका मतलब ये होता है कि मन को तन की सेवा में भी लगाया और मन को धन की सेवा में भी लगाया, तीनों आपस में जुड़े होते हैं। आप कोई भी ऐसी सेवा नहीं गिना सकते जो केवल तन से हो, केवल मन से हो या केवल धन से हो, कोई भी सेवा। जैसे मैं यहाँ बैठ करके आप तक राज्य की बात पहुंचा रहा हूँ, ये सेवा है, ये ज्ञान की सेवा है कि नहीं? इसमें क्या क्या लगा है? तन लगा है, शरीर बैठा हुआ यहाँ पर अभी एक घंटे से ऊपर हो गया है, बोलने में ऊर्जा लग रही है, तो तन की सेवा हो गई। मन इसलिए क्योंकि मन नहीं होता तो बैठ के बोल ही नहीं पाता है ना, और धन इसलिए क्योंकि आप यहाँ बैठे हैं, ये माइक लगा है, ये जो बिल्डिंग बनाया गया है, आप जिन गाड़ी के माध्यम से यहाँ तक बैठे हैं, जो सुंदर साथ घर पे बैठ करके सुन रहे हैं, तो यहाँ कैमरा लगा हुआ है, इंटरनेट की व्यवस्था है, कंप्यूटर की व्यवस्था है, तो इस तरह से कुर्सियों में आप बैठे हैं, दरियों के ऊपर बैठे, ये सभी धन से ही आया है, और इसकी व्यवस्था करने में किसी का तन लगा है, बच्चों ने सफाई की है, बिछाया है, मिलाया है, तो सारी सेवा तन मन और धन से होती है। अगर कोई रसीद भी कटवाता है, पैसे की जो सेवा करता है ना, उसमें भी तीनों चीजें जुड़ी होती है। कैसे? मान लो कि आपने 5,000 रुपए की सेवा दी, वो 5,000 कैसे आए? आपने कमाया है ना शरीर लगा करके, तन लगा करके, तो तन ने परिश्रम किया, धन आया, मन में भाव आया कि सेवा देनी, आपने दे दिया। तो इस तरह से तन की सेवा जहां होती है वहां मन भी जुड़ा होता है, धन भी जुड़ा होता है, ठीक है। अब जैसे मान लो कि आप भोजन बांटने की सेवा करते हैं, वो किसकी सेवा है? ये तन की सेवा है ऐसा आपको लगता है, पर वहां मन जुड़ा है क्योंकि बिना मन के सेवा आप कर नहीं सकते, और धन इसलिए जुड़ा है क्योंकि अगर धन नहीं होता तो भोजन नहीं बनता। जिस बाल्टी में आप उठाते हैं, जिस कलचे से आप परोसते हैं, जिस थाली में सुंदर साथ ग्रहण करते हैं, वो सभी कैसे आए हैं? और जो चावल दाल सब्जी कुछ भी आया है वो सब धन से ही तो आया है ना, जिस भी आप सेवा कर रहे हैं। तो हर सेवा में तन मन धन जुड़ा ही होता है, कहीं पर एक चीज प्रत्यक्ष रूप से दिखती है, कहीं पर एक चीज परोक्ष रूप से दिखती है, पर तीनों आपस में जुड़े होते हैं। मन की सेवा का तात्पर्य है हृदय में भाव होना, मन में सोचना नहीं, मन से भाव से सेवा करना। तो इस तरह इन्होंने तन और धन से सेवा की मन के साथ में, तो हुआ साथ में धन धन, सुंदर साथ में वे धन्य धन्य हो गए। भीम भाई भली भांत सो निकस्या तन ले धन, भीम भाई भी अपना शरीर लेकर के, धन लेकर के श्री जी की सेवा में दौड़े, और सेवा करी उमर लो गाए प्रेम वचन, पूरी उम्र भर उन्होंने सेवा की। साथ में नाग जी भाई हैं, कुटुंब परिवार की उम्मीद छोड़ करके नाग जी अति नेहसो छोड़ कुटुंब की आस, अपने परिवार की उम्मीद छोड़ करके निकले हैं। तन मन धन सब ले चला पाया खिताब नाम गरीब दास, नाम उनका क्या है? नाग जी भाई, पर उनको शोभा क्या मिली? गरीब दास की। गरीब दास क्यों? गरीब कहते हैं विनम्र को, पैसे का गरीब नहीं, उनकी विनम्रता के कारण। उन्होंने सेवा में कभी ये नहीं देखा कि ये छोटी सेवा है कि बड़ी सेवा है, हर प्रकार की सेवा की, इसलिए उनको गरीबदास की शोभा मिली। एक है श्याम भट्ट,
भीमबाई जी के साथ में श्याम भट्ट थे ना, और वे भी अपना घर बार छोड़ करके निकले और जब तक रहे तब तक वेदांत के वचनों को सुनाते थे, लेकिन क्योंकि वो अपने मन पर वश नहीं कर सके तो कहते हैं कि श्याम भट्ट संग चलिया रहिया के तेक दिन, वचन वेदांत सुनावत कर न सका बस मन। मन पर नियंत्रण नहीं कर सके इसलिए कुछ दिनों तक साथ में रहे और पुनः लौट आए। साथ में नाहना भाई है, पाखड़ी है, जिन्होंने आखिर तक साथ निभाया। और आखिर तक साथ कौन निभाता है, कहते हैं आखिर लो निभाइया जाके धनिये पकड़े हाथ। जिनका हाथ धाम धनी पकड़ते हैं वही आखिर तक सेवा कर पाता है। साथ में कान जी हैं, रामी है, जमुना बाई है। जमुना बाई कौन है, बिहारी जी की बहन है ना, देवचंद्र जी की दो संतानें हैं, एक है बिहारी जी, एक है जमुना बाई। लेकिन जमुना बाई ये नहीं देख रही कि मेरा भाई है तो मैं मेरे भाई के साथ रहूंगी। उन्होंने देखा राज्य की लीला यहाँ से हो रही, उनको राज्य से लेना देना है। वही श्री जी के साथ चली और उनके साथ में उनके जो पुत्र है उनका नाम है छबील दास। नाम उनका छबील दास नहीं है पर वास्तविक नाम किसी को पता भी नहीं होगा, लिखा ही नहीं छबील दास। क्यों? क्योंकि आपको पता है जो जल पिलाने की सेवा होती है ना उसको छबील सेवा बोलते हैं। पानी पिलाने को छबील सेवा बोलते हैं। गर्मियों के समय में आप देखेंगे बहुत सारे सिख भाई होते हैं, वो शरबत वगैरह डाल करके, सुगंधित रू आबजा वगैरह डाल करके छबील सेवा करते हैं। कहीं छाछ पिलाते हैं, कहीं कुछ पिलाते हैं। तो छबील दास उनका नाम इसीलिए पड़ा क्योंकि उन्होंने जल की सेवा की। आप अष्ट प्रहर में पढ़ेंगे कि किस तरह से वो पानी पिलाने की सेवा करते हैं ऋतुओं के अनुसार, जो जमुना बाई के पुत्र हैं। इसी प्रकार धारा भाई रहे कुछ समय तक, जिन्होंने जब तक रहे तब तक पत्री पहुंचाने की, चिट्ठी पहुंचाने की सेवा की। लालदास जी की पत्नी लालबाई साथ में है, उनकी पुत्री श्यामबाई भी साथ में है, जिन्होंने बाईजीराज जी के साथ रह करके सेवा की। दोनों स्त्रियां हैं, बाईजीराज जी के साथ रहती हैं। और क्या कह रहे हैं आगे, लालदास संग चले खाली लेकर हाथ, निभे आखिर लो चले श्रीराज के साथ। लालदास जी खाली हाथ चले हैं। हम में से कोई है जो खाली हाथ चलने की हिम्मत करता है? आज तो नहीं कर सकते। आज के युग में आज की आवश्यकताएं भिन्न है और आवश्यकता नहीं है कि खाली हाथ चले, लेकिन चले तो कम से कम जागनी के लिए। आज सब सुंदर साथ को चलने की आवश्यकता है। जो दौड़ सकता है उसे दौड़ने की आवश्यकता है, जो दौड़ नहीं सकता वो चले, जो चल नहीं सकता है वो रेंगते हुए चले, पर चलने की आवश्यकता तो सबको है। लक्ष्य तक सबको जाना है। आपके बदले मैं नहीं कर सकता, मेरे बदले कोई और नहीं कर सकता, लक्ष्य की तरफ बढ़ना तो होगा ही। भवसागर में डूबना नहीं है, डूबते को तिनके का सहारा कहते हैं। यहाँ तो राज्य साक्षात नाव लेकर के आए हैं, जहाज लेकर के आए हैं, लेकिन कम से कम जहाज की तरफ तो बढ़ना होगा। कोई कूद करके आकर के आपका भार उठाने वाला नहीं है, यहाँ पर अपना भार आपको स्वयं ही उठाना है। क्या कहते हैं, किरंतन की एक वाणी है जिसमें ब्रह्म सृष्टियों की पहचान बताते हुए कहते हैं कि अपना ही नहीं बोझ निभाहे साथ को और बोझ मसनंद भरदार। ब्रह्म सृष्टि तो सुंदर साथ का भी बोझ उठाती है और साथ ही साथ जागनी का भी बोझ उठाती है। यहाँ हम अपना बोझ उठा नहीं पा रहे हैं। यहाँ हम वर्षों से दूसरों को अपना बोझ उठवा रहे हैं कि कोई आए हमें जगाए, कोई आए हमें वाणी की चर्चा सुनाए, वित्त की चर्चा सुनाए। और मैं देखते आ रहा हूँ वर्षों से वही के वही चेहरे, वही के वही मस्तिष्क और वही की वही चर्चा, और उसके बावजूद भी हमारी जागनी नहीं हो पा रही है। और जब हम स्वयं में ही
उलझाए रखेंगे। जो जागने का कार्य करने वाले सुंदर साथ हैं उनको हम अपने में ही उलझा करके रखेंगे तो बाहर जागनी कैसे होगी। हमें तो क्या करना चाहिए था, हमें उलझन बनने की जगह पर स्वयं भी, जैसा कि हमने पहले भी सुना, तुम सतगुरु दीपक भय की हो जो आप समान, हम सबको तो अलग अलग जगहों पे जाकर के प्रचार करना चाहिए। नानक जी का एक बहुत सुंदर प्रसंग आता है ना कि एक बार नानक जी अपने शिष्यों के साथ कहीं जा रहे थे। वहां जिस गांव में पहुंचे रहने की जगह मांगी, उस गांव के लोगों ने बहुत प्यार से सेवा की, आओ भगत की पूरी सेवा स्वीकार की। जब जा रहे थे, जाते जाते नानक जी बोलते हैं कि तुम सब उजड़ जाओ, उजाड़ हो जाए तुम्हारा गांव, सब बिखर जाए। फिर अगले दिन अगले गांव में पहुंचे, वहां लोगों ने अंदर भी आने नहीं दिया, बुलाया ही नहीं, बाहर बाहर से भगा दिया अपशब्द इत्यादि कह करके। तो नानक जी कहते हैं कि तुम सब आबाद रहो, खुश रहो, यहीं पर बसे रहो। उनके शिष्य ने पूछा कि गुरुवर आपने ऐसा क्यों किया, जिन्होंने सेवा की थी उनको तो कह दिया कि तुम उजड़ जाओ, और जिन्होंने अपमान किया उनके लिए कह दिया कि तुम यहीं पर रहो, आबाद रहो, सुखी रहो। नानक जी कहते हैं कि देखो, जिस गांव के लोगों ने सेवा की वो अच्छे लोग हैं, अच्छे लोग अगर उजड़ जाएंगे अर्थात अलग अलग जगहों पे जाएंगे तो वो क्या करेंगे, अच्छाई ही फैलाएंगे, और अगर बुरे लोग दूसरे जगह पर जाएंगे तो क्या करेंगे, दूसरे जगह के लोगों को बुरा बनाएंगे। इससे अच्छा ये है कि बुरे लोग यहीं पर रहें, बसे रहें। आप सब तो अच्छे लोग हैं, आप सब सयाने हैं, तारतम वाणी के प्रकाश से आप सबका हृदय प्रज्वलित है। तो आप सबका कर्तव्य क्या होता है, अपने अपने स्थान पर जाकर के तारतम वाणी के प्रकाश से लोगों को प्रकाशित करें। अगर आप में स्वयं चर्चा सुनाने की कला नहीं है, कोई बात नहीं, आप व्यवस्था कीजिए, और व्यवस्था करके आप दूसरे प्रचारकों को बुलाइए। आप स्वयं चर्चा नहीं कर सकते तो छोटे छोटे साहित्य की व्यवस्था कीजिए। खाने पीने में बहुत अधिक खर्च मत कीजिए, और खर्च करना है तो किसमें कीजिए, ब्रह्मवाणी के आधारित जो साहित्य है, साहित्य पढ़ेंगे तो क्या होगा, लोगों की बौद्धिक जागृति होगी। आप किसी को खाना खिलाते हैं वो 4 घंटे तक आपको याद करेगा, हो सकता है स्वाद 2 मिनट तक भी उसके मुंह में नहीं रहेगा, भोजन का असर लगभग 4 घंटे तक उसके पेट में रहेगा, उसके बाद क्या हुआ, समाप्त। लेकिन अगर आप उसको ब्रह्म ज्ञान देते हो, वो ब्रह्म ज्ञान जिसे पाने के लिए पूरी दुनिया सृष्टि के प्रारंभ से तड़पती रही, तरसती रही, वो ब्रह्म ज्ञान आप देते हैं तो सोचिए कि ज्ञान की कीमत क्या है। जापान में एक कहावत कही जाती है कि आप किसी को मछली मत दो, आप उसे मछली पकड़ना सिखाओ। आप मछली दोगे तो एक बार का गुजारा होगा, पर आप पकड़ने का ज्ञान दोगे तो उसका पूरा जीवन का गुजारा होगा। मैं ये नहीं कहता कि आप भोजन मत कराइए, भोजन की आवश्यकता है, पर साधारण भोजन हो, पेट भरने लायक, बाकी जो पैसा बचता है आप उसको साहित्य वितरण में खर्च कीजिए। इस तरह से आप सब अपने अपने तरफ से योगदान दे सकते हैं। अच्छा, इतना भी नहीं कर सकते, आपके गांव में कम से कम 100 लोग तो ऐसे मिलेंगे जो धर्म के लिए कुछ करने को तैयार होंगे, किसी संप्रदाय के बंधन में बंध कर नहीं, लेकिन 100 लोग अगर महीने का 100 रुपए भी इकट्ठा करते हैं तो 1 महीने में 10,000 रुपए इकट्ठा होता है, साल भर में 1,20,000 रुपए इकट्ठा होता है। 1,20,000 में आप बहुत अच्छे कार्यक्रम को अपने गांव में आयोजित कर सकते हैं जिसमें लोगों की जागनी हो। अच्छा, इच्छा होनी चाहिए, उपाय बहुत है। आप अपने गाँव में 1-5 हजार की अलमारी खरीदिए, अपने घर में ला करके रखिए, और उसमें लगभग 5 हजार का साहित्य रखिए, और रविवार के दिन अपने गांव के युवाओं को, बच्चों को बैठाइए, साहित्य पढ़ने को प्रेरित कीजिए। इच्छा होनी चाहिए, उपाय आपको सैकड़ों मिल जाएंगे। इस तरह से हम सब अपने अपने स्तर पर जागने का कार्य कर सकते हैं। राज्य की कृपा से आप अपनी अवस्था बताइए, आप अपनी परिस्थिति बताइए, मैं आपको उपाय बता सकता हूं कि आप क्या कर सकते हैं। आज ऐसा कोई भी बाध्य व्यक्ति नहीं है, कोई मजबूर नहीं है जो सेवा के क्षेत्र में कोई योगदान नहीं दे सकता है।
कोई भी व्यक्ति इतना अनुपयोगी नहीं होता है। सोचिए कि कोई लंगड़ा व्यक्ति हिमालय पर्वत पर चढ़ सकता है, माउंट एवरेस्ट के शिखर पर चढ़ सकता है, तो आप तो लंगड़े नहीं है। अभी कुछ समय पहले एक समाचार आया था, जब राम मंदिर का निर्माण हो रहा था तो वहां एक कोई माता थी, वो माता मंदिर के बाहर लोगों का चप्पल देखभाल करने का काम करती हैं, और चप्पल का देखभाल करते हुए उनको जो भी पैसे मिलते हैं ना, कोई एक रुपए देता है, दो रुपए, पांच रुपए, सबकी अपनी अपनी आस्था के हिसाब से। अब दिन भर में तो हजारों लोग मंदिर में आते हैं, तो उनके पास पैसे काफी हो रहे थे, पैसे थे उनके पास, पर उन पैसों में से उन्होंने सोची, चप्पल की देखभाल करके जो पैसे इकट्ठे हुए, मैंने पढ़ा कितनी सच्चाई है, पूरा अमाउंट मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, पर शायद उन्होंने 51 लाख रुपए की सेवा दी थी चप्पल की देखभाल करने वाले माता ने। तो कोई व्यक्ति बाध्य नहीं है, जहां इच्छा है वहां उपाय है। तो हम सब सेवा कर सकते हैं। अब लालदास जी खाली हाथ चले हैं, बिना किसी तैयारी के, बस समर्पित होकर के श्री जी के चरणों में, और आखिर तक उन्होंने साथ निभाया। लालदास जी को श्री जी की परछाई कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि अगर किसी को लालदास जी को खोजना है तो कोई आंख बंद करके भी कह सकता था कि वो श्री जी के पास होंगे, और वो श्री जी के पास ही मिलते थे। हर सेवा में वह हाजिर है, जहां श्री जी भेजते हैं वहां वो पहुंचते हैं। कोई अहंकार नहीं, कोई अभिमान नहीं, और यहां तक कि स्वाभिमान भी उन्होंने श्री जी के चरणों में समर्पित कर दिया है। जिन गोवर्धन जी के साथ विवाद होता है, जो विवाद इतना अधिक बढ़ता है कि श्री जी सबको छोड़ देते हैं और उन्हीं के साथ अगले मिशन पर, अगली सेवा में साथ साथ में जा रहे हैं, यह निर अभिमानिता। तो इस तरह से उन्होंने श्री जी का साथ निभाया। सुखदेव जी सूरत से चलते हैं, प्रेम जी अत्यंत प्रेम से सूरत से निकलते हुए रास्ते में मिलते हैं। तुरंत साथ में तो नहीं चलते, लेकिन बाद में उनके मन में भी होता है कि नहीं, मुझे भी सेवा में ही जाना है, तो वो भी जाकर के मिलते हैं। इस प्रकार कहां तक सुंदर साथ का नाम लिया जाए। 500 सुंदर साथ की जमात वहां से चली और सूरत से चल करके अब पहुंचते हैं अहमदाबाद, जिसको चौपाई में गुजरात लिखा है, गुजरात अर्थात अहमदाबाद। एक समय ऐसा था, आज से लगभग 50-60 साल पहले भी, अगर किसी व्यक्ति को काठमांडू जाना होता था तो वो कहता था मैं नेपाल जा रहा हूँ। नेपाल के लोग भी आज इंडिया से अगर किसी को काठमांडू जाना होता है या नेपाल जाना होता है तो वो या तो काठमांडू जा रहे होते हैं, लेकिन आज से 50 साल पहले तक नेपाल के लोग भी नेपाल जा रहा हूँ ऐसा बोलकर वो काठमांडू जाते थे। तो इसी तरह से पहले अहमदाबाद को गुजरात कहा जाता था। तो श्री जी अहमदाबाद पहुंचते हैं, वहां पर 4 दिन रुकते हैं। 4 दिन रुकने के बाद वहां से प्रस्थान करके पहुंचते हैं सिद्धपुर, और सिद्धपुर में श्री जी रहते हैं 22 दिन तक। सिद्धपुर तीर्थ स्थानों में आता है, हर राज्य में, हर क्षेत्र में कोई ना कोई तीर्थ स्थान होता है, ये गुजरात का एक तीर्थ स्थल है। वहां एक ब्राह्मण पंडित थे, भगवान दास रेवादास उपाध्याय, ये तीर्थ गुरु के रूप में मिलते हैं। तीर्थ गुरु किसे कहते हैं? आज आप हरिद्वार अगर जाते हैं, या कोई भी व्यक्ति बाहर का अगर हरिद्वार जाता है, तो वहां यदि जानकारी नहीं है तो किसी लोकल व्यक्ति को गाइड के रूप में रखा जाता है ना, वो व्यक्ति वहां के तीर्थों की महिमा को बताएगा, अलग अलग मंदिरों के विषय में बताएगा कि ये भारत माता का मंदिर है, ये मनसा देवी का मंदिर है, ये ऋषिकेश में आप जाओगे तो राम झूला लक्ष्मण झूला मिलेगा, ये हर की पैड़ी है, इसकी ये महिमा है, यहाँ पर इतने समय गंगा आरती होती, इस तरह से बताएगा ना, तो वही तीर्थ गुरु। तो भगवान दास रेवादास उपाध्याय नाम का एक व्यक्ति है जो श्री जी को तीर्थ गुरु के रूप में मिलता है। 22 दिन तक सेवा करते हैं, और अब जब 22 दिन व्यतीत हुआ, वहां जागनी इत्यादि नहीं हुई कोई खास, लेकिन वहां से चलते हुए
श्री जी ने आदेश दिया कि इतने दिनों तक सेवा की है तो इनको कुछ दे दो। गोवर्धन जी ने एक मुहर दी, सोने की मुद्रा। तो उनके मन में थोड़ी लालच आई कि देखो इतने सारे लोग हैं, एक रुपया दे सकते हैं तो एक और दे सकते होंगे। अब सोचे उस समय एक रुपये की कीमत बहुत अधिक थी और ये तो सोने की मुहर थी। उन्होंने लालच करी और कहते हैं कि एक और दे दो। गोवर्धन जी कहते हैं कि आप इनसे कहां लौकिक धन मांग रहे हैं, आप इनके स्वरूप की पहचान कीजिए और लौकिक नहीं अलौकिक धन की कामना कीजिए। तब भगवान दास ने कहा प्रणाम करते हुए कि अच्छा आप मुझे आत्मा से संबंधित कोई बात बता दीजिए, मेरी परात्मा की पहचान करके मेरी आत्मा जगा दीजिए। अब चलते चलते क्या किया जाए, चार सुकन चलते कहे याद करो निज धाम, जमुना ताल घाट की और अक्षर मुकाम। 22 दिन तक तो लाभ नहीं ले पाए, लेकिन जाते जाते कहते हैं कि कुछ सुना दीजिए। श्री जी ने जाते जाते कहा कि देखो तुम परम धाम को याद करो, वहां पर यमुना जी है, हौज को सर तालाब है, यमुना जी के किनारे 7 घाट है और एक तरफ अक्षर ब्रह्म का रंग महल है। इस तरह परम धाम के बारे में संक्षेप में बताया। फिर कहते हैं कि हम ही ब्रज लीला में आए थे खेल देखने के लिए, रास में भी हम ही थे और ये खेल देखने के लिए तीसरी बार इस जागनी के ब्रह्मांड में आए हैं और खेल देख कर कि हमें उस परम धाम में जागृत होना है। इस तरह चलते चलते इतनी बात कह दी। अब इससे ज्यादा तो कुछ कहते कह भी नहीं सकते थे। और ये विडंबना उस समय की नहीं, आज भी है। आज अगर कहीं पर किसी कारण से जाना होता है सुंदर साथ को, तो आज भी ये जो प्रचलन है वो चला हुआ है। कभी कभी सुंदर साथ मेरे पास भी आते हैं, मैं कई बार बहुत जरूरी कोई काम कर रहा होता हूँ तो सुंदर साथ अचानक से पहुंच जाते हैं और बोलते हैं कि महाराज जी 10 मिनट के लिए कुछ सुना दीजिए। फिर मैं अच्छे से सुना देता हूँ, चर्चा नहीं सुनाता, मैं अच्छे से सुनाता हूँ फिर कि इतने दिनों में जब कुछ नहीं हुआ तो 10 मिनट में क्या होगा, 10 मिनट में ऐसा क्या मिल जाएगा। अगर वास्तव में कोई व्यक्ति ज्ञान का जिज्ञासु होगा तो क्या करेगा, ऐसा तो नहीं कि आज ब्रह्मवाणी नहीं है, आज घर घर में वाणी है, टीकाएं हैं, चर्चाएं विभिन्न उपलब्ध है। लेकिन फिर भी अगर आप कह रहे हैं कि 10 मिनट के लिए कुछ सुना दीजिए तो क्या सुना है। हाँ, यदि कोई प्रश्न लेकर के आता है तब तो समाधान किया जाना चाहिए कि वो जिज्ञासा है, पर ऐसे ही टाइम पास करने के लिए कि कुछ सुना दीजिए तो क्या सुनाया जाए, फिर ऐसे ही सुनाना पड़ता है। तो इसीलिए ये जो परंपरा है आज भी कई सुंदर साथ के मन में है। कई बार मैं स्वामी जी के साथ होता हूँ, कभी कभी मान लीजिए कि कहीं से गुजर रहे हैं, मान लो कि एमपी से होते हुए गुजरात पहुंचना है, एमपी में ही कहीं भोजन के लिए रुके हैं सुंदर साथ के वहां। अब भोजन करके गाड़ी में बैठना है तो सुंदर साथ बोलते हैं कि दो चार लोग इकट्ठे हो जाते हैं और कहते हैं स्वामी जी महाराज जी 10 मिनट के लिए कुछ सुना दीजिए, और ऐसा सच में होता है। अभी 3-4 महीने पहले भी हुआ है तो वहां पर क्या करते, फिर स्वामी जी बेचारे भोले भाले बड़े प्यार से बोल देते हैं कि आप लोग वाणी पढ़िए, चितवनी कीजिए, ठीक है, अब ये बोलना पड़ता है, लेकिन ये बाध्यता है। सुंदर साथ को ऐसा नहीं करना चाहिए। सुंदर साथ के मन में यदि कुछ प्रश्न हो तो प्रश्न पूछे, बहुत अच्छी बात है, पर अचानक से कोई कह दे कि 10 मिनट के सुनाइए, चर्चा करने का भी एक मूड होता है। हाँ, प्रश्नोत्तरी हो तो कभी भी तुरंत उसका जवाब दिया जा सके, पर कुछ सुनाने पर अब मान लीजिए कि कोई सागर श्रृंगार पड़ रहा हो और कुछ सुनाइए कहने पर हम कयामतनामा की वाणी की चर्चा सुनाए, उसको भी समझ में नहीं आएगा, हमारा भी समय बर्बाद होगा। इसलिए जो कुछ सुना दीजिए वाली परंपरा है ना, इस परंपरा को थोड़ा तोड़ना होगा। अब भगवान दास रेवादास को तो माध्यम बनना है, ये सबके लिए सिखापन है। और सिखापन क्या है जानते हैं, भगवान दास रेवादास ने जब ये बात सुनी 6 महीने तक ये दोहराते रहे, किसी से बात नहीं की, 6 महीने तक दोहराते रहे कि देखो यमुना जी है, यमुना जी के एक किनारे पर परम रंग महल है, दूसरे किनारे पर अक्षर ब्रह्म का रंग महल है, फिर हौज को सर तालाब है,
सात घाट है, हम परम धाम से आए हैं, ब्रजलीला की, रासलीला की, पुनः परम धाम जाना, इस तरह से दोहराते हैं। छह महीने के बाद मिलते हैं केशव भट्ट, जो उनके मित्र थे। केशव भट्ट ने जब ये बात सुनी तो इतनी बात सुनते ही उनको वो शब्द चुभ गए, बेहद बनज का होएगा साथी, सो एक लवे होसी टुक टुक, ये शब्द चुभे और पूछा कि ये तुमने कहाँ से सुना। तो कहते हैं कि एक क्षत्रिय व्यक्ति यहाँ से निकला था और उन्होंने हमें ये बात सुनाई। उन्होंने हमें जाते जाते, 22 दिन तक साथ में रहे थे, पर जाते जाते हमें ये शब्द सुनाया था। तो केशव जी वो शब्द सुनते हैं, केशव भट्ट जी, और क्या कहते हैं कि मैं तुम्हें क्या कहूँ, तुम्हारे नसीब को मैं क्या कहूँ कि तुम उनको अभी भी एक क्षत्रिय साधु समझ रहे हो। वह तो अक्षरातीत था, तुम न करी पहचान, अब मैं उत ही जात हूँ, मुझे आया ईमान। प्राणनाथ जी कौन है? प्राणनाथ जी तो देवचंद्र जी के शिष्य हैं, प्राणनाथ जी तो श्री कृष्ण जी के भक्त हैं, प्राणनाथ जी मध्यकालीन युग के एक बहुत बड़े संत हैं, प्राणनाथ जी कवि हैं जिन्होंने 18,758 चौपाइयों की रचना की, ऐसा ऐसा कहने वाले लोगों के गाल में ये प्यार से सहलाया है। और क्या कहा केशव भट्ट जी ने कि यह तो अक्षरातीत था, तुम न करी पहचान, अब मैं उत ही जात हूं, मुझे आया ईमान। प्राणनाथ जी अक्षरातीत हैं। आज अब तो बहुत वर्ष हो गए, मैं 2008 में गया था हरिद्वार, और गया तो उसके बाद भी हूं किसी कार्य विशेष से, लेकिन 2008 में मैंने यहाँ पर मेरे विचार से भारत माता मंदिर में एक मूर्ति देखी, ऐसी मूछों वाली, और वहां पर लिखा हुआ था महामति स्वामी श्री प्राणनाथ जी, और श्री कृष्ण प्रणामी धर्म के जो आचार्य हैं श्री देवचंद्र जी के शिष्य, जिन्होंने प्रणामी धर्म को आगे बढ़ाया, मध्य युग के संत, ऐसे लिखा हुआ था। अब ये बात उनके दिमाग में कहां से आई? ये पहचान तो हम ही लोगों ने दी होगी ना उनको, जिन्होंने भारत माता मंदिर बनाया, और जिन्होंने भी दी वो कितने महान होंगे। सोचिए कि ये जो पूर्ण ब्रह्म ब्रह्म से न्यारे, ये आरती किसने गाई? महाराजा छत्रसाल जी ने। किसके लिए? प्राणनाथ जी के लिए। तो वो पूर्ण ब्रह्म कौन है? प्राणनाथ जी, जिनके लिए केशव भट्ट कहते हैं यह तो अक्षरातीत था, तुम न करी पहचान, तुमने पहचान नहीं की। वो प्राणनाथ जो संत नहीं है, कवि नहीं है, वो कोई लौकिक सन्यासी नहीं है, क्या कहते हैं, रेहू नाही सिद्ध साध संतरी भगत, नाहू वैष्णव अपरस आचार, जात कुटुंब कुल नीच ना ऊंच, नाहू वर्ण अठार। मैं तो 18 वर्णों में नहीं हूँ, न मैं नीची जाति में हूँ, न ऊंची जाति में हूँ, न मैं संत हूँ, न मैं सिद्ध हूँ, न मैं साधु हूँ। तो ये प्राणनाथ जी की पहचान है, ये पहचान हमें केशव भट्ट जी ने दी, ये पहचान हमें महाराजा छत्रसाल जी ने दी, ये पहचान हमें जयराम भाई कंसारा से लेकर के, महावजी भाई से लेकर के, लालदास जी से लेकर के, सभी ब्रह्म मुनियों ने दी। और जब पन्ना जी पहुंचे तो उन्हें क्या कहा गया, तीन में सिरदार अक्षरातीत, तो वो अक्षरातीत थे। और अभी तो मुख्य और बात बाकी है सिद्धपुर के प्रसंग में, वो प्रसंग क्या है देखिए। भगवान दास रेवादास उपाध्याय ब्रह्म सृष्टि नहीं है, पर ब्रह्म सृष्टि न होते हुए भी वो एक माध्यम बने हैं दूसरी ब्रह्मात्मा की जागने के लिए, है कि नहीं? तो आपको ये सोचने की जरूरत नहीं कि हम परम धाम की ब्रह्म सृष्टि हैं कि नहीं है, आपको क्या करना है, आप तक जो ज्ञान पहुंचाए वो दूसरों तक पहुंचाना है। मैं आपको एक बात बताता हूं, बहुत ही सुंदर है, लेकिन विचार करेंगे तब सुंदर लगेगा। भगवान दास रेवादास उपाध्याय का जो नाम आया है बीतक में, क्यों आया है? तीर्थगुरु होने की वजह से? नहीं। एक रुपए मांगने की वजह से? नहीं। इनका तो नाम ही इसीलिए आया है क्योंकि उनके द्वारा
केशव भट्ट की जागनी हुई। अगर केशव भट्ट की जागनी इनके द्वारा नहीं हुई होती तो कोई और कारण ही नहीं है वितक में उनके नाम को समावेश करने का, और उनके द्वारा ब्रह्मात्मा की जागनी हुई तो आज हम हर वर्ष उन्हें याद करते हैं कि एक ब्रह्मात्मा की जागनी के वो माध्यम बने। इसी तरह आप पहली बात तो यह कि स्वयं में ये दावा रखे कि हम ब्रह्म सृष्टि हैं, और जागनी करते हुए ये जरूरी नहीं कि ब्रह्मात्मा ही जागनी करे। परमधाम की जो ब्रह्मवाणी है, ब्रह्मात्मा के भाव से हम सब दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, और ये वही केशव भट्ट हैं। अब निकले ऐसे ही, घर भी नहीं गए। श्री जी की पहचान सुन करके ओ ऐसे ही उत से चला, ढूंढत फिरे सब ठोर, ढूंढते दिल्ली पहुंचिया, खोज करी अत जोर। अब यहां से चले हैं, दिल्ली पहुंचते हैं। दिल्ली क्यों पहुंचे? क्योंकि 6 महीने बाद निकले हैं ना श्री जी, 6 महीने पहले यहां से निकल चुके हैं। 6 महीने बाद श्री जी की बात सुन करके वो निकलते हैं। आज की तरह तो नहीं था कि ढूंढ ले इंटरनेट पर कि श्री जी कहाँ पहुंचे हैं, पुलिस को बोल करके लोकेशन ट्रेस कराए, ऐसा तो कोई था ना। पूछते पूछते जाना था, पूछा होगा कि किस दिशा में गए हैं। अगले गांव में पहुंचे तो पूछा होगा कि यहाँ से 500 लोगों की जमात निकली थी 6 महीने पहले, तो किधर निकली। ऐसे करते हुए पूछते 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 दिल्ली पहुंचे, और वहां जाकर के मिले, और श्री जी से उन्होंने चर्चा सुनी। चर्चा सुन करके वापस सिद्धपुर गए, और सिद्धपुर आकर के इन्होंने सबसे पहले ज्ञान केंद्र की स्थापना करी। थाना थाप्या सिद्धपुर में केशव भट्ट के घर, धाम चर्चा नित हो वहीं साथ रया पकर। उन्होंने श्री जी से जो तारतम्य ज्ञान लिया, अपने स्थान पर आकर के अपने घर को केंद्र के रूप में स्थापित किया। वहां पर प्रतिदिन वो चर्चा करने लग गए, और चर्चा करके पुनः, क्योंकि भगवान दास रेवादास को पूरी पहचान थोड़ी हुई थी, उन्होंने तो तोते की तरह पूरी बात सुना दी, लेकिन आगे क्या कह रहे हैं कि तब लड़ने दज्जाल सो बांधी कमर जोर, फेर आए सिद्धपुर में किया साथ काढ़ने का शोर। सुंदर साथ को माया से निकालने के लिए अब तारतम ज्ञान का शोर करना शुरू किया, और भगवान दास रेवादास को नसीहत, फेर की दई इन्हें चिन्हार, तिनको लियाया साथ में किया खबरदार। अब केशवदास जी ने भगवान दास रेवादास को श्री जी की पूरी पहचान दे करके तारतम्य ज्ञान दिया, और उसके बाद फिर उन्होंने दूसरे एक और केशव जी हैं उनको प्रबोधित किया, द्वारका दास जी को प्रबोधित किया, और ये सब केशव भट्ट जी के द्वारा प्रबोधित होकर के दिल्ली में जाकर के श्री जी से मिलते हैं। इसी तरह से त्रिकम है, गंगादास है, विट्ठल है, ये सब चर्चा सुनते हैं, सब श्री जी के पास पहुंचते हैं। जिनमें से विट्ठल, जिनको श्री जी के स्वरूप की थोड़ी पहचान होती है, दिल्ली पहुंचते हैं। लेकिन दिल्ली में जब औरंगजेब के दरबारियों को संदेश देना होता है, औरंगजेब तक कुरान का संदेश पहुंचाना होता है या कुरान की वास्तविकता पहुंचानी होती है, तो वहां पर विट्ठल को डर हो जाता है कि कहीं हम पर मौत ना आ जाए, इसीलिए वो वापस लौटते हैं। तो इस प्रकार सिद्धपुर में केशव भट्ट जी का जो घर है वो ज्ञान केंद्र के रूप में स्थापित होता है। उसके बाद अब ये तो क्योंकि श्री लालदास जी ने केशव भट्ट जी के विषय में बताया, लेकिन श्री जी सिद्धपुर में 22 दिन रहने के बाद कहां पहुंचते हैं? वो पहुंचते हैं मेरता। मेरता पहुंचता है राजस्थान में। अब गुजरात से उन्होंने राजस्थान में प्रवेश किया। वहां पर एक व्यक्ति है लाभानंद नाम का तांत्रिक, जो तंत्र क्रिया करता था, भूत प्रेतों को अपने बस में रख करके लोगों को डराया करता था। अब कल की चर्चा में हम सुनेंगे कि उसके जो भूत प्रेत थे उन सबकी शक्ति को कैसे निरस्त किया जाता है, कैसे उसके तंत्र मंत्र की शक्ति सब निरस्त हो जाती है, कैसे वो ज्ञान में हार करके मौनी बाबा बन के बैठता है, किस तरह से ललिता सखी की जागनी होती है जिनका आज आपने वाणी गायन सुना, वारी रे वारी मेरे प्यारी, कैसे राजाराम झांझनबाई की जागनी होती है, और किस तरह से श्री जी मेरता से फिर दिल्ली पहुंचते हैं और औरंगजेब को जगाने का प्रयास चलता है।
तो ये सारी भी तक सुनेंगे कल। अभी के लिए समय पूरा होता है, चौपाई दो रही। थाना था प्या सिद्धपुर में, केशव भट्ट के घर, धाम चर्चा नित हो वही, साथ रहया पकड़, साथ रहया पकड़। बोलो श्री प्राणनाथ, बोलो श्री सतगुरु महाराज।